गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश पोइट्री, द बाल पोएम आप कर चुके हैं। नाउ सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम, मैसेज ऑफ द पोएम, कि बाल पोएम हमने पढ़ी और उसका तात्पर्य क्या है, जॉन बेरीमैन क्या मैसेज देना चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम, द बाल पोएम, गेंद कविता, गेंद का मतलब संसार में हर चीज़ गेंद है। पोइट जॉन बेरीमैन बिल्कुल आप जानते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, कोमा, ए बॉय हैज लॉस्ट हिज डियर बाल इन द वाटर, इस कविता में एक लड़का यानी कि छोटा लड़का पानी में अपनी पसंदीदा गेंद को खो देता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, छोटे बच्चों के लिए सबसे बड़ी कोई पसंदीदा चीज़ है वो खेलने वाली चीज़ है। नाउ ही इज वेरी सैड एट द लॉस ऑफ हिज डियर बाल, और अपनी पसंदीदा गेंद जिसके साथ वो पिछले 5-6 महीनों से, 1 साल 1.5 साल से खेल रहा था, उसके गुम होने पर बहुत उदास है। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज, जो मुख्य संदेश है इस कविता का, कवि कहना चाहता है गेंस एंड लॉसेस, गेंस होता है बेटे लाभ और लॉसेस होता है हानि, आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, लाभ और हानि जिसको हम सुख और दुख, ये एक जीवन का भाग है। कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होते हैं, कई बार थोड़ी बहुत तकलीफ भी होती है, हर काम के अंदर लाभ भी होता है, कई बार हानि भी होती है, ये तो एक जीवन का भाग है, उसमें निराशा में डूबने की जरूरत नहीं है। देयरफोर एवरी मैन मस्ट लर्न द लॉस इज कॉमन इन लाइफ, इसलिए हर आदमी को ये सीखना चाहिए यदि कहीं नुकसान हुआ है, समय का नुकसान हुआ जैसे कोरोना काल के कारण, या किसी चीज़ की हानि हुई है, या किसी कारण से फसल खराब हो गई है, या दिन का कुछ भाग बिना काम के खाली चला गया है, तो जीवन का एक कॉमन सामान्य सी बात है, उसको ज़्यादा गंभीर से नहीं लेना चाहिए। सो एवरी वन शुड लर्न हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर द लॉस, जो हमारा नुकसान हो गया, ये लाइन खासतौर पे विद्यार्थियों के लिए है कि इस साल बहुत बड़ा नुकसान, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड यू, आप और अध्यापक के बीच में जो संपर्क है वो इस साल बहुत लंबा हो गया है, उस लॉस की भरपाई कैसे की जाए, यानी कि उस हानि की भरपाई की जाए, कैसे की जाए, उसके बारे में विचार करना है। तो अभी आपके पास घर टाइम है, और ख़ास तौर पे लगभग 10th का सिलेबस 3-4 सब्जेक्ट का 99% या 90% कंप्लीट हो चुका है। घर पर आपने जो जो इजी लेसन्स हैं, मैथमेटिक्स के हैं, साइंस के हैं, हिंदी के हैं, SST के हैं और इंग्लिश के हैं, वो रफ नोटबुक पे केवल ना केवल याद करने बल्कि उनको लिखकर देखना है। इस टाइम का हाउ टू स्टैंड अप, यानी आपने प्रयोग कैसे करना है। एक सबसे बढ़िया तरीका कि जैसे स्कूल में आने में और स्कूल से जाने में समय व्यतीत होता है, मान लो 1 घंटा आने में या 1 घंटा जाने में, केवल वो 2 घंटा ही आप स्टडी पे लगा दें तो भी हम इसकी भरपाई कर सकते हैं जो हमारा बीच का डिफरेंस है। तो स्टडी को प्रॉपरली जारी रखें। दिसंबर एग्जाम के लिए लगभग सिलेबस आपका तैयार है, और वो सिलेबस 1-2 दिन में आपके ग्रुप में डाला जा रहा है, उसमें कहीं कोई कमी है सिलेबस की तो उसको हम प्रिपेयर करा देंगे। कमज़ोर विद्यार्थी कम से कम इस क्वेश्चन को लर्न करने के बाद 2-3 बार लिखें और मिलान करें, इंटेलिजेंट बच्चा 1 बार लिखें और मिलान करें, कोई मिस्टेक ना हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।